Hello friends, today we are dealing with the endocrine pharmacology. So the very first topic is the thyroid hormone, and the subtopic is the synthesis of the thyroid hormone. Today we will see that how thyroid hormone is secreted in our body. यहाँ पे हम यही देखेंगे कि कैसे थायराइड हार्मोन सीक्रेट होता है हमारी बॉडी में. तो बेसिकली हम यहाँ पे फार्माकोलॉजी लेकर चल रहे हैं, लेकिन आज का जो टॉपिक है डैट इज़ द सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन, तो वो हम फिजियोलॉजी में भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि फिजियोलॉजी मतलब नॉर्मल फंक्शन जानना एक तरीके से. तो सबसे पहले हम नॉर्मल जानेंगे, तभी फिर हम अबनॉर्मल पे जाएंगे, ठीक है. तो एक और बात बताना चाहूँगी कि थायराइड ग्लैंड की एनाटॉमी जो अगर आपको पढ़नी है तो आप चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हैं. थायराइड ग्लैंड की एनाटॉमी भी अवेलेबल है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ जनरल पॉइंट्स से. तो क्या होता है कि सबसे पहले हम इसकी लोकेशन देखेंगे कि कहाँ प्रेजेंट होता है. तो लोकेशन में जानेंगे कि ये कहाँ प्रेजेंट होता है. तो जैसे कि ये एक मैन है, मतलब एक ह्यूमन बॉडी है, ठीक है. तो ये यहाँ पे प्रेजेंट होता है. तो इसकी सिचुएशन क्या है? इट इज़ प्रेजेंट द लोअर पार्ट ऑफ फ्रंट एंड साइड ऑफ द नेक, डैट इज़ ये एंटीरियरली प्रेजेंट होता है, ठीक है. एंटीरियरली प्रेजेंट होता है ये नेक के लोअर पार्ट पे प्रेजेंट होता है, ठीक है. तो यहाँ पे इसकी सिचुएशन हमने देख ली है कि कहाँ प्रेजेंट होता है लोकेशन. तो सेकंड पॉइंट है कि जैसे कि सभी जानते हैं कि थायराइड हार्मोन हमारे बॉडी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंडोक्राइन हार्मोन है. और थायराइड ग्लैंड कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट करता है? डैट इज़ अ T4, T3 एंड कैल्सिटोनिन. तो T4, T3 एंड कैल्सिटोनिन ये थ्री हार्मोन रिलीज़ करता है, ठीक है. तो जब आप एनाट या हिस्टो में पढ़ेंगे कि थायराइड ग्लैंड में दो टाइप की सेल्स होती हैं, डैट इज़ फॉलिकुलर सेल्स एंड पैराफॉलिकुलर सेल्स, ठीक है. दो टाइप की सेल्स होती हैं, डैट इज़ फॉलिकुलर एंड पैराफॉलिकुलर सेल्स. तो ये जो दो हार्मोन हैं T4 एंड T3, ये सीक्रेट होते हैं फॉलिकुलर सेल्स से. एंड जो कैल्सिटोनिन है वो सीक्रेट होता है पैराफॉलिकुलर सेल से, ठीक है. तो यही है कि T4 एंड D3 फॉलिकुलर सेल से रिलीज़ होते हैं, और कैल्सिटोनिन जो है वो पैराफॉलिकुलर सेल से रिलीज़ होता है, ठीक है. तो अब हम आगे सिंथेसिस पढ़ने से पहले हम थोड़ा इसका रेगुलेशन देख लेते हैं कि है ना थायराइड हार्मोन का रेगुलेशन किस तरीके से होता है. तो क्या होता है थायराइड हार्मोन में, जैसे कि एक आप वैसे समझ सकते हैं कि जब हमारी बॉडी में हार्मोन का लेवल कम होता है या ओवर सीक्रेशन होता है या कम होता है, तो एक डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाता है. तो मतलब होमियोस्टेसिस प्रोसेस होता है जो कि बैलेंस बनाए रखता है हमारी बॉडी में. तो वो डिस्टरबेंस की वजह से हमारी बॉडी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाती, ठीक है. तो अगर ज़्यादा सीक्रेट होगा तो इनहिबिटरी प्रोसेस हो जाएगा, जिससे कि वो मेंटेन हो जाएगा. अगर सीक्रेशन ही नहीं होता तो फिर वो एक्साइटेटरी प्रोसेस या सीक्रेटरी प्रोसेस हो जाता है, ठीक है. तो हमारा टॉपिक यहाँ पे है सिंथेसिस के लिए. तो यहाँ पे हम ये जानते हैं कि यहाँ पे ऑब्वियसली लेवल कम हो रहा होगा, इसलिए हमें सिंथेसिस की नीड है, ठीक है. तो क्या होता है कि जब हमारी बॉडी में थायराइड हार्मोन का लेवल गिरेगा तो स्टिमुलस जाएगा हाइपोथैलेमस पे स्टिमुलस जाएगा, और वो उसके न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स TRH हार्मोन रिलीज़ करेंगे. हाइपोथैलेमस की न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होती हैं, वो TRH रिलीज़ करती हैं, डैट इज़ अ थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. तो TRH रिलीज़ होगा, फिर वो एक्ट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलस देगा. तो फिर एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करेगा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को हम TSH भी बोलते हैं. फिर वो TSH रिलीज होके ब्लड में चला जाएगा, ब्लड में सर्कुलेट होकर वो टारगेट सेल पे चला जाएगा. टारगेट सेल मतलब थायराइड ग्लैंड. तो थायराइड ग्लैंड पे चला जाएगा
अब वहाँ जाके मैसेज देगा फॉलिकुलर सेल्स को कि मतलब सिंथेसिस और रिलीज के लिए वो एक मैसेज देगा, जिससे फिर T3 और T4 रिलीज़ हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया एक ओवरव्यू के थायराइड हार्मोन कैसे रेगुलेट होता है, इसका रेगुलेशन हमने देख लिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेप ऑफ सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन। ठीक है, तो 5 स्टेप्स होते हैं, दैट इज़ द आयोडाइड ट्रैपिंग, सेकंड वन इज़ द ऑक्सीडेशन एंड आयोडिनेशन, एंड थर्ड वन इज़ द कपलिंग, एंड फोर्थ वन इज़ द हार्मोन रिलीज, एंड फिफ्थ वन इज़ द पेरिफेरल कन्वर्जेशन ऑफ T4 टू T3। ठीक है, तो ये 5 स्टेप हैं, तो ये हेडिंग है, हम डिटेल में डायग्राम से आगे पढ़ेंगे, लेकिन आगे आपको दिक्कत ना हो तो कुछ पॉइंट्स यहीं पे बता दे रहे हैं जिससे कि आगे समझने में दिक्कत ना हो। तो क्या होता है कि हर सेल की मेम्ब्रेन पर गेट्स होते हैं, चैनल्स होते हैं, ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, मतलब हम उनको कुछ भी बोल सकते हैं, चैनल्स, गेट या ट्रांसपोर्टर। तो चैनल्स, गेट और ट्रांसपोर्टर होते हैं हर एक सेल की मेम्ब्रेन पर, जिससे कि आयरन या फिर एसेंशियल मटेरियल वो सेल से बाहर आ सकता है और सेल से अंदर सेल से बाहर जाएगा, और जब सेल के अंदर जाएगा तो उन्हीं गेट्स के थ्रू जाएगा। ठीक है, तो एक और पॉइंट है, दैट इज़ ट्रांसपोर्ट के 2 टाइप के ट्रांसपोर्ट होते हैं, दैट इज़ एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में इट रिक्वायर्स एनर्जी, इसमें ATP लगती है। ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट में इसमें कोई एनर्जी नहीं लगती, ना कोई ATP लगती। ठीक है, अभी हम यहाँ पे फॉलिकुलर सेल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि आगे जो हम डायग्राम में बताएंगे तो वो किस तरह का डायग्राम है। ये देखिए, एक फॉलिकुलर सेल है, हमने एक फॉलिकुलर सेल ली है, और ये तो अब बाहर का पार्ट तो ब्लड पार्ट हो गया, और ये फॉलिकुलर सेल हो गई, और ये अंदर का ल्यूमन या मैट्रिक्स कह सकते हैं हम इसको, तो ये ल्यूमन हो गया। अब ये ल्यूमन क्या है, ये फ्लूइड से भरा हुआ है, डेट इज़ फुल ऑफ फ्लूइड, एंड इट इज़ कोलोइडल इन नेचर। कोलोइडल इन नेचर मतलब कि ये ग्लू लाइक है। ठीक है, हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, डेट इज़ अ ब्लड पार्ट, एंड डेट इज़ और इसके फॉलिकुलर सेल, और फिर एक अंदर का मैट्रिक्स। ठीक है, हम इसको ऐसे देखेंगे। तो एक और चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं, बस एक चीज़, फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। यहाँ पे हम एक मॉलिक्यूल पढ़ेंगे, डैट इज़ अ थायरोग्लोबुलिन। ठीक है, थायरोग्लोबुलिन एक मॉलिक्यूल है जो कि सेल, मतलब मॉलिक्यूल है, एक तरीके की प्रोटीन है। ठीक है, चैनल्स भी जो होते हैं वो प्रोटीन के ही बने होते हैं, और एक थायरोग्लोबुलिन यहाँ पे जो यूज़ होगा वो एक प्रोटीन है जो कि सेल में बनता है, सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है। ठीक है, ये बनेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, फिर वो पैक्ड होके गोल्जी बॉडी में पैक्ड होगा, फिर वो जाएगा ल्यूमन में। ठीक है, तो मतलब ये नॉर्मल प्रोसेस है कि वो कैसे बनता है। तो अब ये थायरोग्लोबुलिन जो मॉलिक्यूल है, वो मॉलिक्यूल है, ठीक है, इस पे अब ये के मॉलिक्यूल है, ये इस पे रिंग्स बनी होंगी, वो टायरोसिन की रिंग्स होंगी। ठीक है, रिंग्स होंगी, तो वो टायरोसिन की रिंग्स होंगी, इस टायरोसिन की रिंग पर आयोडीन अटैच होता है। तो आप इसको दिमाग में लेके चलना, जिससे कि आगे जब ये प्रोसेस हो तो वो ईजिली समझ में आ जाए, क्योंकि ये आगे फिर अगर मैं बीच में इसको समझाती तो वो मतलब फ्लुएंट वे में नहीं हो पाता। तो थायरोग्लोबुलिन एक मॉलिक्यूल है जिसमें टायरोसिन की रिंग होती है, उससे आयोडीन अटैच होता है, यहाँ आके आयोडीन अटैच हो जाता है। तो ये 3-4 पॉइंट्स थे जो कि सिंथेसिस, जब हम सिंथेसिस पढ़ेंगे, सिंथेसिस ऑफ थायरॉयड हार्मोन पढ़ेंगे, तो फिर ये हमको डिस्टर्ब ना करें, दिक्कत ना दें। तो क्या होता है कि अब यहाँ पे हम लेके चल रहे हैं ब्लड, फॉलिकुलर सेल एंड द मैट्रिक्स। यहाँ पे ब्लड हो गया, ये फॉलिकुलर सेल हो गई, इसमें भी हम देखेंगे, और एक मैट्रिक्स, डेट इज़ द ल्यूमन। ठीक है, तो क्या होता है कि ब्लड में आयोडीन होता है, आयोडीन
आयोडीन नेगेटिव फॉर्म में होता है, डेट इज़ अ आयोडाइड, इसको हम आयोडाइड बोलेंगे, ठीक है। आयोडाइड, ये आयोडाइड फॉर्म में होता है और ये जाता है फिर फॉलिकुलर सेल में। ये हमको इसको, मतलब फर्स्ट पार्ट तो जो हम देखेंगे, आयोडाइड ट्रैपिंग, आयोडाइड ट्रैपिंग जो हमारा फर्स्ट स्टेप था, तो अब वही हम देखेंगे। तो यहाँ पे आयोडीन होता है, आयोडीन, आयोडीन नेगेटिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है, डेट इज़ अ आयोडाइड। तो वो फॉलिकुलर सेल में जाएगा विद द हेल्प ऑफ द सोडियम आयोडाइड ट्रांसपोर्टर, ठीक है। इस ट्रांसपोर्टर की हेल्प से जाएगा, इसको हम सिंपोर्टर भी बोल सकते हैं, सिंपोर्टर, तो इजी हो जाएगा, SNIS, ठीक है, सोडियम आयोडाइड सिंपोर्टर, ठीक है। सिंपोर्टर मतलब कि ये जो एक्सचेंज हो रहा है वो एक ही साइड में हो रहा है, ठीक है, तो इसलिए हम इसको सिंपोर्टर बोलेंगे। ट्रांसपोर्टर भी बोल सकते हैं, लेकिन उसका पार्ट है सिंपोर्टर। तो उसमें मतलब इजी वे में मैंने NIS करने के लिए इसको मैंने सिंपोर्टर लिख दिया है, ठीक है। तो आयोडाइड आयन फॉलिकुलर सेल में जाएगा विद द हेल्प ऑफ दी सोडियम आयोडाइड ट्रांसपोर्टर, डेट इज़ द NIS। फिर ये हमें यहाँ पे फॉलिकुलर सेल में सोडियम की नीड नहीं है, तो ये बाहर निकल जाएगा विद द हेल्प ऑफ दी सोडियम पोटेशियम ATPase, ठीक है। तो ये इससे बाहर निकल जाएगा, क्योंकि हमें इसकी यहाँ पे सोडियम की नीड नहीं थी। तो ये यहाँ पे मेम्ब्रेन पे गेट्स बने होते हैं, हमने आपको पहले बता दिया था, तो उसकी उसकी हेल्प से बाहर चला जाएगा। तो क्या होता है कि ये फॉलिकुलर सेल से फिर मैट्रिक्स में जाता है, डेट इज़ अ ल्यूमन, ल्यूमन में जाता है, अंदर जाता है, तो वहाँ पर ये ऑक्सीडाइज होता है, ऑक्सीडाइज होता है और ये कन्वर्ट हो जाता है आयोडीन में, ठीक है। आयोडीन में कन्वर्ट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ द थायरॉयड परऑक्सीडेज एंजाइम, ठीक है। ये एंजाइम है थायरॉयड परऑक्सीडेज, जो कि कन्वर्ट करता है आयोडाइड आयन को आयोडीन में, ठीक है। अब क्या होता है कि यहाँ पे गोल्जी बॉडीज, वही जो हमने बताया था कि था, अब ये आयोडीन बन गया है ना, आयोडीन बन के फिर ये टायरोसिन मॉलिक्यूल से बाइंड हो जाएगा। टायरोसिन, वही हमने आपको बताया था कि थायरोग्लोबुलिन, टायरोसिन कहाँ से आता है, थायरोग्लोबुलिन में रिंग होती है, तो ये उसी से आता है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी बॉडी में पैक हुआ और फिर वहाँ से ये थायरोग्लोबुलिन एक मतलब मॉलिक्यूल बन के जो कि प्रोटीन है वो बन के निकला और ये सेल के बाहर जाता है, जिसको हम बोलते हैं एक्सोसाइटोज्ड। और ये प्रोसेस फैसिलिटेट होता है थायरॉयड परऑक्सीडेज एंजाइम से, ठीक है। तो सेल के बाहर जाना, यहाँ पे एक्सोसाइटोसिस हो रही है क्योंकि सेल के बाहर जा रहा है। तो क्या होता है कि थायरोग्लोबुलिन है ये, थायरोग्लोबुलिन, तो इसमें रिंग होती है टायरोसिन रिंग, उससे ये आयोडीन अटैच हो जाएगा। एक आयोडीन अगर अटैच हुआ तो MIT डेट इज़ मोनोआयोडोटायरोसिन, ठीक है, मोनोआयोडोटायरोसिन। अगर टायरोसिन जो है उससे एक आयोडीन अटैच होता है तो मोनोआयोडोटायरोसिन बनता है। एंड अगर टायरोसिन रिंग से दो आयोडीन अटैच हुए तो डाई आयोडोटायरोसिन। ध्यान रखिए, यहाँ थायरोन नहीं है, ठीक है, जैसे कहीं कहीं पे हम थायरोक्सिन या थायरोनिन पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे ये टायरोसिन, इस प्रोसेस में टायरोसिन से अटैच हो रहा है, तो हम इसको मोनोआयोडोटायरोसिन पढ़ेंगे, इसको डाई आयोडोटायरोसिन पढ़ेंगे। जिससे एक आयोडीन अटैच हुआ वो मोनोआयोडोटायरोसिन, और जिससे दो आयोडीन अटैच हुए वो डाई आयोडोटायरोसिन। अब क्या होगा कि ये दोनों MIT और DIT एंडोसाइटोज हो जाएंगे, मतलब सेल के अंदर चले जाएंगे, और फिर वहाँ पे जैसे अब DIT के दो मॉलिक्यूल, मतलब अगर DIT प्लस DIT दो मॉलिक्यूल अटैच हो जाते हैं तो वो T4 बनाता है, और फिर अगर एक MIT और एक DIT अटैच हो जाए तो जैसे अब ये और ये दो है ना, तो ये T3 बनाएगा। अब यहाँ पे दो DIT अटैच हो गए तो ये T4 बनाएगा, फिर ये सेल के बाहर चला जाता है यहाँ पे पेरीफेरी में, ठीक है, मतलब ब्लड में। तो यहाँ क्या होगा कि ये मतलब यहाँ पे T4 का सीक्रेशन ज़्यादा होता है और T3 से, है ना, T3 कम होता है और T4 ज़्यादा होता है, लेकिन मोस्ट पोटेंट T3 होता है। तो ये कन्वर्जन जब हमें नीड होगी तो T4 कन्वर्ट हो जाता है T3 में,
तो यहाँ पे ये लास्ट प्रोसेस था जो जो कि है ना T4 कन्वर्ट हो रहा है T3 में, तो आपको ये पूरा प्रोसेस है। तो आई होप आपको ये प्रोसेस इजीली समझ में आया हो। एक और बार मैं रिपीट कर दे रही हूँ। तो इसमें क्या होता है कि ब्लड में आयोडीन प्रेजेंट होता है आयोडाइड फॉर्म में, ठीक है। तो आयोडाइड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ये एंटर करता है विद द हेल्प ऑफ चैनल, ये एंटर करेगा फॉलिकुलर सेल में और फिर ये मैट्रिक्स में चला जाएगा। सोडियम भी एंटर करता है साथ साथ, लेकिन उसकी यूज़ नहीं होती तो फिर वो बाहर निकल जाता है सेल के, ठीक है। तो यहाँ पे मैट्रिक्स में जाकर ये थायराइड परोक्सीडेज की हेल्प से ये कन्वर्ट हो जाएगा आयोडीन में, ठीक है। तो आयोडीन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे एक थायरोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल होता है जो कि सेल में प्रोड्यूस होता है। तो थायरोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल में टायरोसिन रिंग होती है, उससे ये आयोडीन अटैच हो जाएगा। अगर एक आयोडीन अटैच होता है तो उसको बोलते हैं हम MIT, अगर दो आयोडीन अटैच होंगे टायरोसिन से तो उसको बोलेंगे हम DIT, मोनो आयोडो टायरोसिन, डाई आयोडो टायरोसिन। फिर ये सेल के अंदर चले जाएंगे, सेल के अंदर जाने पर मॉलिक्यूल्स बाइंड होंगे। अगर दो DIT बाइंड होते हैं तो उसको T4 बोलते हैं, अगर एक MIT बाइंड, एक MIT और एक DIT बाइंड होता है तो उसको T3 बोलते हैं, ठीक है। फिर ये ब्लड में चला जाएगा। ब्लड में जाने के बाद इसके जो क्वांटिटी होती है T4 की ज़्यादा होती है और T3 की कम होती है। तो जब हमें नीड होगी तो ये T4 कन्वर्ट हो जाएगा T3 में। तो ये था हमारा स्टेप ऑफ सिंथेसिस ऑफ थायरॉयड हार्मोन। तो एक बार हम थ्योरी में भी देख लेते हैं यहाँ क्या क्या हो रहा है। आयोडाइड ट्रैपिंग हो रही है, वो फॉलिकुलर सेल में जा रहा है जिसको हम आयोडाइड ट्रैपिंग बोलते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट से जा रहा है वो, जो तो इस सेल में वो आयो तो यहाँ पे वो आयोडीन ट्रैप हो गया है, ठीक है। आयोडाइड ट्रैप हो गया है आयन, तो इसको हम आयोडाइड ट्रैपिंग बोलेंगे। तो ये क्या होता है, फिर सिंपोटर की हेल्प से ये मतलब जाता है, मतलब जब ये ट्रैप होगा तो किसकी किसकी हेल्प से होगा, सिंपोटर की हेल्प से। फिर सेकंड स्टेप होता है ऑक्सीडेशन एंड आयोडिनेशन। तो ऑक्सीडेशन यहाँ पे हो ही रहा है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है आयोडाइड आयन से आयोडीन में, और है ना आयोडिनेशन हो रहा है। तो मतलब कैसे हो रहा है कि है ना ये यहाँ पे बाइंड हो रहा है आयोडीन, ठीक है, आयोडीन यहाँ पे बाइंड हो रहा है विद द हेल्प ऑफ परोक्सीडेज एंजाइम। ऑक्सीडाइज किससे हो रहा है, परोक्सीडेज एंजाइम से। आयोडीन कंबाइन कर रहा है टायरोसिन से, टायरोसिन से, तो वो क्या बना रहा है MIT और DIT, ठीक है। तो ये यहाँ पे प्रोसेस है। और अगर एक आयोडीन टायरोसिन से बाइंड करेगा तो वो MIT बनाएगा, और एक दो आयोडीन बाइंड करेंगे टायरोसिन से तो वो DIT बनाएंगे। और कपलिंग देख लेते हैं कि कपलिंग में क्या होता है, ये फाइनल स्टेप होता है। दो DIT बाइंड करें तो वो T4 बनाते हैं, एक MIT और एक DIT बाइंड करें तो वो T3 बनाते हैं। फोर्थ स्टेप में ये है कि ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का जो होता है, हमने जो अभी पढ़ा था रेगुलेशन में, वो रिलीज होगा, तो जिससे कि उसको सिग्नल मिलेगा और फिर वो रिलीज़ होंगे T3, फिर वो रिलीज़ होंगे सेल से बाहर और फिर वहाँ पे कन्वर्जन होगा। फिफ्थ स्टेप में फिर वहाँ पे कन्वर्जन होगा और T4 की क्वांटिटी ज़्यादा होती है लेकिन वो लेस पोटेंट होता है, तो वो कन्वर्ट करता है T3 में। T4 कन्वर्ट होता है T3 में। तो ये आज का हमारा लेक्चर था, सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ऐसा लगा है कि कुछ मतलब मैंने मिस कर दिया है या कुछ कुछ मतलब मैंने छोड़ दिया है, या आपको कुछ पूछना है या बताना है, तो आप प्लीज़ मुझे मेल या कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर, थैंक यू सो मच।